नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, आज 19 जुलाई 2021 के मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे फेसबुक पे सबका स्वागत करता हूँ। आज जो आया हूँ, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, 24 जुलाई 2021 को दोपहर के 2 बजे शिवाजी पार्क दादर मुंबई प्रोटेस्ट जो है, भारत बचाओ दुनिया बचाओ, जो पूरी दुनिया में 24 जुलाई को प्रोटेस्ट होने वाला है, उसी में भारत कंट्रीब्यूट करने वाला है और पूरे भारत में प्रोटेस्ट होने वाला है और सभी नियमों का पालन करते हुए, जैसे हमारे मोदी साहब करते हैं, जैसे राहुल गांधी जी करते हैं, जैसे फडणवीस साहब करते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे साहब करते हैं, जैसे शरद पवार साहब करते हैं और उस तरह से सभा लेते हैं, उस तरह से आंदोलन करते हैं, उसी तरह से हम भी सभी पाल सरकारी आदेशों का हम पालन करेंगे और आंदोलन करेंगे। क्योंकि आप अगर जिस तरह से दिल्ली का कल आप आंदोलन देखा और आप उस चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो आपको डिटेन किया जाएगा, आपको प्रोटेस्ट करने से रोका जाएगा। उसके बजाय जैसे ये लोग आंदोलन करते हैं, उसी तरह से हमें भी आंदोलन करना चाहिए। वो जो 2 रुपए का मास्क आता है ना, वो 2 रुपए का मास्क जैसे वो पहनते हैं, वैसे पहन के 24 जुलाई 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क, शिवाजी पार्क दादर दोपहर के 2 बजे सब प्रोटेस्ट, महाराष्ट्र का प्रोटेस्ट वहाँ है, अपने अपने स्टेट्स का अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट है। अवेकन इंडिया मूवमेंट के टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए, आपके स्टेट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है उसके बारे में जानकारी लीजिए और सरकारी सभी नियमों का पालन करते हुए हमें वो प्रोटेस्ट करना है। मैसेज जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैसेज जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, RTI को ये लोग मानते नहीं है, मगर आप लेटर लिखोगे ना, लेटर इज अ वन काइंड ऑफ नोटिस। आप जो लेटर लिखते हो एक तरह का नोटिस है सरकार को कि हम ये चीज़ों को लेना नहीं चाहते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपको अधिकार है, आपके लेटर को लेके कोर्ट में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रिट पिटीशन आप खुद के फैमिली के लिए डाल सकते हैं। तो इसलिए कायदे हैं, कायदों में बहुत सारे चोर मार्ग रहते हैं उससे बचने के, तो वही हम कह रहे हैं सरकारी नियम को मोदी साहब जैसे फॉलो करते हैं, जैसे राहुल गांधी जी करते हैं, जैसे ममता बनर्जी ने फॉलो करके चुनाव रैली की, जैसे अपने अरविंद केजरीवाल जी करते हैं सभाएं, तो उसी तरह से हमें सभा करनी चाहिए। आप समझते क्यों नहीं हो? मैंने पहले भी कहा है, जो पेड़ सबसे ज़्यादा सीधा रहता है उसे सबसे पहले लकड़हारा काटता है, तो इसलिए थोड़ा सा आदमी थोड़ा टेढ़ा भी होना चाहिए। तो जागिए, जगाइए, प्रोटेस्ट 24 जुलाई 2021 छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क, शिवाजी पार्क दादर वहाँ पे है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होजिए। क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो ये लोग LC लगाते रहेंगे, या आप पे ज़बरदस्ती टीका, ये ज़बरदस्ती आप पे जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स, ये ज़बरदस्ती आप पे 5G, ये ज़बरदस्ती आप पे डिजिटल करेंसी, ये ज़बरदस्ती आप पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये ज़बरदस्ती आप पे वेदर चेंज का जो प्रोपोगंडा है, क्लाइमेट चेंज का, वो आप पे थोप पे रहेंगे। हार्प का विरोध कीजिए, डार्पा का विरोध कीजिए, 5G का विरोध कीजिए, जियोमो का विरोध कीजिए, मैंडेटरी जो है उसका विरोध कीजिए, आने वाले भविष्य के लिए 24 जुलाई 2021 का अपने अपने स्टेट्स में जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट है, किसान नेताओं से मेरा निवेदन है, 24 जुलाई को आप, 22 जुलाई का किसान मोर्चा जा रहा है संसद पे, वहाँ पे आप गो बैक बिल गेट्स के होल्डिंग लगाइए, नो मैंडेटरी, नो जियोमो, नो 5G, इसके बैनर लगाइए, आपके प्रोटेस्ट में किसान आंदोलन को ये इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगी न्यूज़, और ये इंटरनेशनल न्यूज़ तभी बनेगी जब आप इन नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों को आप उठाएंगे। किसान कल चढ़ोनी साहब का मैंने वीडियो शेयर किया है,
जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि किसानों को आपको चुनाव में उतरना होगा, वरना आपके मुद्दे कोई नहीं उठाएगा। जब आपके हर यूपी में, पंजाब में, गोवा में अगर आपके 10-15 अगर MLA आ जाते हैं, सरकार जो भी बनाएगा उसको आपका सहयोग लेना होगा और आपके मुद्दों पे उनको सपोर्ट करना होगा, तभी ये लोग मानेंगे, तभी ये लोग मानेंगे, वरना ये नहीं मानेंगे। 70 साल में क्या हुआ है, क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है, क्योंकि कोई नेता था ही नहीं पॉलिटिक्स में जो आपके मुद्दे जाके सांसद में मानेगा, जो आपके मुद्दे जाके विधानसभा में रखेगा। एक तरीका होता है किसी भी बिल करने का, वहां पे उसको अनुमोदन देना होता है। किसने अनुमोदन दिया आपके मुद्दों को? ये आपको ही देना होगा। आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, आपको ही लड़ना होगा। और हमेशा लड़ाई लड़नी ही चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एग्जाम्पल दे के गए हैं गोरिल्ला वॉरफेयर का, यानी जहाँ पे लड़ाई सामने वाला शत्रु बड़ा है तो उससे लड़ना है जरूरी नहीं, कभी कभी तह भी कर लेना चाहिए। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये एक तह का तह है। जो भी उनके प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल फॉलो करके कल का आने वाला 24 जुलाई का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट कीजिए, लेटर लिखिए। एक तरह का नोटिस है, आपको समझता नहीं है, मैं आपको 50 बार कह चुका हूँ, 1 साल से समझा चुका हूँ, एक लेटर एक तरह का नोटिस होता है। सब लोग कहते हैं कलेक्टर कमिश्नर ये कहाँ से फॉलो करेंगे, इनको संविधान फॉलो करना है, इनका एजेंडा कुछ भी हो और फॉलो तो संविधान करना पड़ता है। कोई भी लेटर लिखता है तो उसको 7 डेज में आंसर देना पड़ता है। आपको आंसर नहीं आया तो फिर से संपर्क कीजिए, कलेक्टर ऑफिस में जाइए, उनको लेटर दिखाइए कि हमारे यहाँ पे मैंने ये लेटर लिखा है, इसका आंसर क्या है। वो आपको उस डिपार्टमेंट के आदमी के पास भेज के उसकी जो आपकी ऑर्डर कॉपी है वो आपको निकाल के देगा। ये सिस्टम है, इस तरह से ब्यूरोक्रेसी इस तरह से चलती है। तो लेटर लिखिए, आपके फैमिलीज को बचने के लिए एक तरह का लेटर एक तरह से नोटिस है, और नोटिस को आप अधिकार है, आप हाईकोर्ट में जाके इस पे दाद मांग सकते हैं। ये सिस्टम है, मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपको खेल खेलना है तो आपको सिस्टम समझनी पड़ेगी उस खेल की, उसकी उस खेल के बाद ही। सर मन से जो कार्यकर्ते आहेत का आपल्या सोबत, प्रतीक लाड साहब मन से के कुछ बड़े नेता हैं, उन्होंने संपर्क किया है मुझसे और वो 24 जुलाई के प्रोटेस्ट में 5G का अगेंस्ट वो आने वाले हैं, हो सकते हैं वो आ सकते हैं 5G के अगेंस्ट, तो 24 जुलाई को पता चलेगा। वैसे मेरा संपर्क हुआ है उनके साथ, मेरी बात हुई है, मैंने उनको योहान के साथ संपर्क करके दिया है। मुंबई की जो टीम है उनके साथ मैंने उनको संपर्क करने को बोला, उनकी बात भी हुई है गुरुजी के साथ। तो जब 24 जुलाई का उनका कंफर्म होगा तब मैं नाम बताऊंगा। कोहली जी CM रूपानी को लिखा था, जवाब आया बट कुछ खास आंसर नहीं दिया। देखिए कोई भी आंसर आया हो आंसर है वो, कल आप पे कोई भी मैंडेटरी करने का प्रयास करेगा तो आपके पास वो लेटर आपका एक कवच है। तो जागिए, जगाइए AIM ऑल इंडिया अवेकन मूवमेंट के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप, आपके डिस्ट्रिक्ट पे कौन कौन है, कहाँ कहाँ हो रहा है प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्लेवरी नाम का भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। मैं जब हो सकता है तो वहाँ पर आता हूँ ब्रॉडकास्ट पर, तो वॉइस चैट पर बात करने। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। धन्यवाद। और एक बात, जो मोदी साहब ने गांधीनगर के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है उसका अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो उसकी डिज़ाइन भी पूरी तरह से जो रोम का टेंपल, जो ये हाउस है उनका कम्युनिटी हाउस, जो हॉल है पोप का, उसी तरह की वो डिज़ाइन है। साथ में उसके अपोजिट में जो बना हुआ डोम है वो पूरे का पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर है, जो कि आपको पता है किसका सिंबल है। ये अब खुल के आपके सामने सब सिंबॉलिक सब चल रहा है, इनको डर ही नहीं है क्योंकि इनको पता है ये भेड़े हैं, ये कुछ करने नहीं वाले हैं। कल आएंगे हम बोलेंगे हमें वोट दो, ये फिर से वोट दे देंगे। यूपी में 5G के नाम लेना भी गुनाह है,
और कानून का राज कह रहे हैं, मोदी साहब वहाँ पे कानून का राज है, और फाइव जी वहाँ पे नाम लेना भी अलाउड है। तो जागिए, जगाइए, नमस्कार।